So hey guys, this is Kuldeep and you're watching UPSC Library. So आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वल्चर के बारे में, बिकॉज जो हमारी मिनिस्ट्री है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, तो उसके जो मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, सो उन्होंने वल्चर के कंजर्वेशन के लिए, जो वल्चर्स हैं गिद्ध जिनको बोलते हैं, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए एक एक्शन प्लान स्टार्ट किया है जिसका नाम है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025। टू ये है कि इस वल्चर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, बिकॉज 1980s और 1990s के टाइम पे, मतलब 1990 से लेके 2000 तक इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ड्रास्टिक डिक्लाइन आया था, बिकॉज ऑफ एक मेडिसिन थी डाइक्लोफेनिक्स, सो ये आगे बताऊंगा लेक्चर में। सो इस लेक्चर में देखें कि पहले तो वल्चर के बारे में देखेंगे, तो उसके बाद जो डाइक्लोफेनिक जो मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है इसके बारे में जानेंगे, आखिर इस मेडिसिन की वजह से क्यों आखिर वल्चर की पॉपुलेशन इतना असर पड़ा, आखिर क्यों ड्रास्टिकली उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ड्रास्टिकली काफ़ी इनकी जो लगभग कुछ स्पीसीज की जो पॉपुलेशन थी वो 99% तक कम हो गई थी। सो इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा था इस डाइक्लोफेनिक मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की वजह से। देन इसके बारे में जानेंगे फूड चेन के बारे में, बिकॉज जो वल्चर्स का जो रोल है फूड चेन में, वो काफ़ी बड़ा क्रिटिकल रोल है, बिकॉज ये वल्चर्स है ना, ये फाइनल कंज्यूमर उनको बोलते हैं। सो इस चीज़ को जानेंगे इस लेक्चर में। ये कटआउट है, इसमें लिखा है कि वल्चर नंबर्स स्टेबलाइजिंग, ये बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ नंबर, बिकॉज ये कैसे होगा एक्शन प्लान इनकी, ये जो एक्शन प्लान है उस चीज़ की वजह से, एक्शन प्लान टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स नंबर। ये न्यूज़ में चल रहा है। इस न्यूज़ में देखें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूरा नाम है मिनिस्ट्री का, उसके जो मिनिस्टर कौन है, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, याद रखना इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने इस मंडे को ही लॉन्च किया था कि वल्चर एक्शन प्लान 2020 से लेकर 2025, मतलब 2020 से लेकर 2025 के बीच में ये एक्शन प्लान चलेगा, और किसके लिए चलेगा, ये कंजर्वेशन के लिए, वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए हमारी कंट्री में। वल्चर्स का जो नंबर है वो एकदम स्टीप स्लाइड होने लगा था 90s के टाइम, लगभग 90% एकदम स्टीप, मतलब अगर ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर कहीं किसी कि पॉपुलेशन 100% तो उसमें से 90% जो 90 है वो एकदम डिक्लाइन हो गया, मतलब एक्सटेंड खत्म हो गए थे। ये इतनी डिक्लाइन हो गया था वल्चर्स की पॉपुलेशन इंडिया में। इसी चीज़ काफ़ी कम स्पीसीज में, इंडिया में सिंस 1990 एंड वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और एक वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक डिक्लाइन था बाकी अदर, मतलब पूरे वर्ल्ड में बर्ड्स की पॉपुलेशन में, इसी वजह से और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और यूपीएससी इस टॉपिक पर काफ़ी सारे टॉपिक पर ना इस टॉपिक पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, इस वजह से ये टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बाद इस मिनिस्ट्री हैज़ बीन कैरिंग आउट अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इस एक्शन प्लान में एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लेकर चलेगा, जो कि ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में 2006 से स्टार्ट हो चुका है, इसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को बोल रहे हैं वल्चर्स के लिए। इसी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, नाउ इट्स टू एक्सटेंड द प्रोजेक्ट 2025। ये एक उसी 2006 का जो प्रोजेक्ट है उसी का ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है, टू नॉट जस्ट हॉल्ट द डिक्लाइन, बट मतलब जो डिक्लाइन जो पॉपुलेशन हो रही है वल्चर्स की, उसको जस्ट हॉल्ट मतलब रोकना नहीं है, बल्कि उसको जो इंक्रीज भी करना है पॉपुलेशन में, बट टू एक्टिवली इंक्रीज द वल्चर्स नंबर इन द इंडिया। जो पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन आ रहा है ना, उसको रोकना नहीं है, मतलब उसको रोस्टॉप नहीं करना, बल्कि इंक्रीज और करना है उस पॉपुलेशन में। ये एक्शन प्लान का कई एक मोटो ऑब्जेक्टिव है, इस चीज़ को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बिकॉज देर हैज़ बीन ए शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री विच केम डाउन फ्रॉम द 40 million to 90,000। इससे आपको अंदाजा लगता है कि जहाँ पहले 40 million पॉपुलेशन थी वल्चर्स की, अब जाके कितनी है 90,000, वो काफ़ी कम है। 90,000 बहुत कम हो गई। 90% ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्लाइन इन ए स्पेन ऑफ ओवर 3 decades, मतलब 3 decades में लगभग, मतलब 1 decade में कितना 10 साल, तो 3 decades में हो गया 30 साल। मतलब 30 साल में ये 40 million पॉपुलेशन से 19,000 पॉपुलेशन होगी। ये चीज़ को याद रखना, और ये डेटा दिया है कि इन्होंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है पार्लियामेंट में। इस चीज़ को याद रखना। आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं।
सो वल्चर्स, आखिर वल्चर्स होते क्या हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, सो इस चीज़ को याद रखना। सो वल्चर्स जिनको इंडियन वल्चर्स बोलते हैं, इंडियन वल्चर्स का एक स्पेशली अलग से नाम है जिसको जिप्स इंडिकस बोलते हैं। सो इट्स इनका स्पेशलाइट एक है कि ये स्कैवेंजर, इनको दूसरा नाम बोलते हैं, मतलब इसको स्कैवेंजर की तरह बोला जाता है, बिकॉज ये जो जानवर के जो मृत शरीर होता है उनको वो कंज्यूम करते हैं। सो भाई एक ये एक तरह का एनवायरमेंट में एक तरह का क्लीनर की तरह काम करते हैं, इनका रोल होता है। सो दे वल्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्विकली डिस्पोजिंग कारकेस, मतलब कारकेसेस माने जो मृत शरीर जो होता है एनिमल का, जो डेड बॉडी होते हैं उनको बोला जाता है कारकेस। सो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि क्विकली डिस्पोजिंग ऑफ कारकेस डेट कुड हार्बर मिलियंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सो अगर किसी एनिमल की जो बॉडी हो डेथ बॉडी अगर उसको कंज्यूम मतलब उसको अगर डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया वो उसमें आने लगे। सो इसी चीज़ की वजह से इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो उसको कंज्यूम करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं डेथ बॉडी को। सो इसी वजह से वो बैक्टीरिया नहीं आएंगे, फंगस नहीं आएंगे एंड कॉज द सीरियस, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं हो तो इस चीज़ की वजह से ह्यूमन एनिमल्स मतलब ह्यूमन प्लस एनिमल की हेल्थ पर काफ़ी सीरियस इम्प्लीमेंशन होने लगे। सो इसी चीज़ की वजह से इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इस मैंने अपने इन्वायरमेंट में। सो इसके बाद जो इंडियन वल्चर इज एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर नेटिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान नेपाल, जो इंडियन वल्चर है वो इंडिया पाकिस्तान नेपाल इन सब जगह पाया जाता है। सो इसके बाद इट हैज़ बीन लिस्टेड एज ए क्रिटिकल इंडेजेंट, मतलब ICN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये क्रिटिकली इंडेजेंट पाया गया है। सो याद रखना क्रिटिकली इंडेजेंट है इसकी जो कंडीशन है ICN की रेड लिस्ट है। सो ICN के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज इसकी अलग अलग लिस्ट होती है। सो अलग अलग जो एनिमल इसकी जो स्पीसीज होते हैं या बर्ड्स की उसमें उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा। सो अगर जिसकी पॉपुलेशन अच्छी हो तो उसको लीस्ट कंसर्न या नियर थ्रेटन में हो या उसके पॉपुलेशन अगर ज़्यादा खतरा और ज़्यादा इंक्रीज हो तो उसको वल्नरेबल ग्रुप में डाला जाता है। सो वल्चर की पॉपुलेशन काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो रही है मतलब डिक्लाइन हो, तो इसी चीज़ को वजह से उसको क्रिटिकल इंडेजेंट में डाला गया। और उसके बाद होता है एक्सटिंक्ट द वर्ल्ड, सो अगर पॉपुलेशन वल्चर्स की ख़त्म हो जाती है तो एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में ICN रेड लिस्ट में डाल देगी। सो इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके बाद जो वल्चर्स हैं जो इंडिया में, सो इसके बारे में पता है। सो वैसे ऑल ओवर इंडिया में जो वल्चर्स के जो टाइप होते हैं वो 23 तरह के होते हैं, मैंने 23 के टाइप होते हैं वल्चर्स के। सो इंडिया में सिर्फ ऐसे 9 तरह के ही पाए जाते हैं। सो आप इस चीज़ को याद रखना कि इंडिया में सिर्फ 9 तरह के ही पाए जाते हैं। सो इन 9 तरह की स्पीसीज में हम किस पर फोकस करेंगे, ज़्यादातर 3 तरह की स्पीसीज पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला हो गया ओरिएंटल वाइट बैक्ड, देन लॉन्ग बाइल्ड, देन स्लेंडर ब्रेड। सो इन 3 पर रखेंगे। इसके अलावा भी हिमालयन वल्चर हो गया, देन रेड हेडेड हो गया, देन इजिप्शियन वाले हो गए, देन बियर्डेड, देन सिनेरियस हो गया, देन द यूरेशियन ग्रिफन। सो ये टोटल 9 टाइप के हो गए वल्चर्स इंडिया में। सो इस चीज़ को ज़्यादा याद रखना, लेकिन इसमें इस वीडियो हम फोकस करेंगे सिर्फ 3 तरह के ऊपर जिनकी पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी जल्दी डिक्लाइन हो गया। सो इसी चीज़ की वजह से अगर स्टीम में देखा जाए तो 1990 से लेकर 2007 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वल्चर्स के लिए काफ़ी एकदम बेकार रहा है, बिकॉज उस टाइम के पीरियड में उनकी जो पॉपुलेशन एकदम 99% तक डिक्लाइन हो गई थी और उनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दिया गया। सो वही कौन कौन से ओरिएंटल 3 तरह की जो स्पीसीज बताई गई थी, जो ओरिएंटल लॉन्ग बिल्ड देन स्लेंडर बिल्ड वल्चर थे, सो उनकी जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी एकदम मैसिवली हो गई थी, विद 99% ऑफ द स्पीसीज हैविंग बीन वाइप आउट, मतलब जो 99% जो पॉपुलेशन थी वो एकदम वाइप आउट हो गई थी। देन इसके बाद जो डेकलाइन था वल्चर पॉपुलेशन का केम इनटू लाइमलाइन इन द मिड 90s। सो ये जो सिचुएशन आई थी 90s के मिड में ये पॉपुलेशन लाइमलाइन में आई थी, बिकॉज इतनी जल्दी किसी एक पॉपुलेशन की होना डिक्लाइन होता तो वो एक लाइमलाइन में आ जाता है। सो इसी के बाद द क्रैश इन वल्चर पॉपुलेशन केम टू लाइमलाइन इन द मिड 90s एंड द 2004 द कॉज ऑफ जो कॉज था जो इसी पॉपुलेशन डिक्लाइन का वो था मेन डिक्लोफेनिक, जो एक मेडिसिन की एक तरह की। सो उस चीज़ को याद रखना, ये क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि आखिर जो वल्चर्स की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी उसका मेन कॉज क्या था। सो ये मेन कॉज था डिक्लोफेनिक, सो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो गिवन टू ये जो टैबलेट होते हैं, ये जो मेडिसिन होते हैं, ये ह्यूमन प्लस एनिमल ये दोनों लोग कंज्यूम करते हैं। सो ये ज़्यादातर एनिमल्स में ज़्यादा दिया है, बिकॉज ये एक तरह का पेन किलर की तरह काम करते हैं। सो ये कैटल लोग मतलब एनिमल्स में ज़्यादा दिया है। सो उनको जब एनिमल्स में देते हैं तो जब वो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से इसको कंज्यूम नहीं कर पाती। सो उस बॉडी में
ये डिक्लोफेनिक कुछ अंश रह जाते हैं। सो जब ये डेड बॉडी जब होती है तो उसको जब ये वल्चर जब कंज्यूम करते हैं तो वल्चर का जो बॉडी है ना तो इस डिक्लोफेनिक को कंज्यूम नहीं कर पा जाती है। सो इसी चीज़ के साथ उनको एक किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस किडनी की प्रॉब्लम की वजह से उनकी वल्चर्स की डेथ होने लगती है। सो ये एक मेन कारण था वल्चर्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन होने में। सो डिक्लोफेनिक वाज फाउंड टू बी एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द वल्चर्स एंड कॉज रेनल फेलियर। सो एक द रेनल फेलियर होने लगा था। सो ये एक द मेन एक्सट्रीमली टॉक्सिक था वल्चर्स के लिए। देन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन द वेटरनरी यूज ऑफ ड्रग्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 के आसपास में इस ड्रग्स का एकदम इसको बैन कर दिया गया और इसका जो मिसयूज था मल्टी डोज ऑफ वायरस उसके में उसको भी एक तरह के एकदम मिस कर बैन कर दिया गया। सो इसके बाद बिकॉज इसमें बोला गया है कि वो मिस्टर पिका जावन के बारे में बोला गया है कि 0.4 से लेकर 0.7% जो एनिमल कैरेक्टर्स था मतलब जो डेथ बॉडी थी एनिमल की उसको कंज्यूम करने से 99% वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। सो अंदाजा लगा था कि कितनी हार्मफुल थी। सिर्फ 0.4% और 0.7% डेथ बॉडी को कंज्यूम करके 99% ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। सो इसके अलावा बट द ड्यू टू डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट आगे जावड़ेकर बोलते हैं कि जो डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से जो वल्चर की जो पॉपुलेशन है उनमें थोड़ा स्टेबलाइजिंग आ गया जो 2006 बिकॉज जब 2006 के बाद जो कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट किया गया उसके बाद में उन्होंने बोला गया। सो इसमें मिनिस्ट्री ऐड करते हैं कि नाउ हैज कम आउट विद अ होलिस्टिक अप्रोच टू वल्चर कंजर्वेशन। इसके बाद बोलते हैं वो एक होलिस्टिक अप्रोच लाएंगे मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला गया है। देन इसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्री है EFC जिसको इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं रिलीज ए एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2006 में जो एक्शन प्लान आया था वल्चर कंजर्वेशन के लिए इस चीज़ को याद रखना। वो जो 2020 और 2025 वाला वो 2006 का एक्सटेंडेड पार्ट है। सो इस चीज़ को याद रखना जो DCGI के साथ इसको ला रहे। सो इसमें क्या है कि बैनिंग द वेटरनरी यूज ऑफ डिक्लोफेनिक। सो इसमें पहले तो जो डिक्लोफेनिक जो मेडिसिन था उस पर बैन लगाया गया इन द सेम एंड द डिक्लाइन ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन बीइंग अरेस्टेड बाय 2000। सो जब ये बैन लगाया था सो 2011 तक जो वल्चर्स की पॉपुलेशन में थोड़ा गिरावट आना कम हो गया। सो ये एक इसका एक मेजर आउटकम था इसका जो रिजल्ट आया था। देन इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑल्सो एस्टेब्लिश द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। सो इस ब्रीडिंग प्रोग्राम में वल्चर के जो पॉपुलेशन में जो वल्चर का जो प्रजनन करने के उनकी पॉपुलेशन और इंक्रीज किया जा रहा है। सो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो विच हैज़ बीन जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था एंड 3 क्रिटिकली इंडिजन स्पीसीज ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो 3 स्पीसीज काफ़ी इंडिजन थी उनकी जो पॉपुलेशन एकदम मतलब एकदम अच्छी होने लगी थी वैल्यू टाइम में। देन 8 सेंटर हैव बीन एस्टेब्लिश एंड सो फार 396 वल्चर ऑफ द 3 स्पीसीज हैज सक्सेसफुली फ्लेश्ड। सो इट्स जो 3 स्पीसीज उनमें से 3 उन स्पीसीज के 396 वल्चर और इंक्रीज हुए उनकी पॉपुलेशन और इंक्रीज। सो ये आउटकम था ये एक्शन प्लान ऑफ जो एक्शन प्लान था 2006 का और जो उसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी प्लस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्रीज होता इनका जो प्रोग्राम चला था ब्रीडिंग वाला जो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम था। सो इसका ये मेन आउटकम था। देन इसके बाद जो एक्शन प्लान है जो अपना वाला जो अभी चल रहा है एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर 2020 से लेकर 2025 तक इसके बारे में जानना है। सो इसका मेन रहेगा कि इसमें इंश्योर करना है कि मिनिमम यूज़ हो डिक्लोफेनिक वाला जिसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है। सो इसमें मिनिमम यूज़ करना है एकदम। देन इसके बाद प्रिवेंट द पॉइजनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फूड ऑफ वल्चर मतलब वल्चर का प्रिंसिपल फूड क्या होता है डेथ बॉडी होती है एनिमल्स की। सो उसको रोकना है पॉइजनिंग होने से मतलब उनकी बॉडी को पॉइजनिंग होने से रोकना है मतलब इनको वे मेडिसिन नहीं देनी उनको एकदम क्लियर चाहिए क्लियर डेड बॉडी देनी है जो आपकी मतलब क्लियर नहीं मतलब एकदम कंटेमिनेटेड डेड बॉडी नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइजन या किसी वो मेडिसिन की वजह से। सो क्लियर उनको प्रिंसिपल फूड देना है। देन द कैटल कैरेस का जो कैटल के मतलब डेड बॉडी हो उन्हीं को। देन सेल ऑफ वेटरिन NSAIDs जो NSAIDs का मतलब हो गया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होती है उन पर एक तरह की सेल पर थोड़ा उनको रेगुलेट करना है जिसमें से ये डिक्लोफेनिक भी आ जाती है। देन इज ए डिसबर्स्ड एंड ओनली प्रेस्क्रिप्शन अगर इसको देना भी है तो ये प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू ही देना चाहिए ये इसमें बोला गया है एक्शन प्लान के में। देन इसके बाद एडिशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे एडिशनल इनमें
इसमें इन वल्चर्स का प्रजनन किया जाएगा, इसकी वजह से इन प्रजनन की वजह से उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज लाया जाएगा। ऑल्सो बींग प्लान टू अक्रॉस अंगट, सो ऐसे जो ब्रीडिंग सेंटर है वो पूरे कंट्री में अलग अलग जगह बनाए जाएंगे अलॉन्ग विद वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, और इसके साथ वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी होंगे विद सैम्पल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, इसमें से इन्फॉर्मेशन कलेक्शन भी होगा फ्रॉम द वाइल्ड एनालिसिस एंड स्टोर इज थ्री सेंटर, और उसमें जो थ्री सेंटर है वो उसमें उछड़ो लाइक एक होगा उत्तर प्रदेश में, एक त्रिपुरा में, एक महाराष्ट्र में, कर्नाटक तमिलनाडु में, इन सब स्टेट्स में एक एक ऐसे सेंटर होंगे। सो इस चीज़ को याद रखना। जो वल्चर्स हैं उनमें उनका जो इन्वायरमेंट में उनका एक काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है, सो इस चीज़ को, बिकॉज स्टार्टिंग फूड चेन जो होती है फूड चेन में इनका एक क्रिटिकल रोल होता है। सो फूड चेन को जब पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में पहले ग्रास आता है, ग्रास में जो सबसे पहले क्या खा रहा है, डियर, ग्रास को पहले डियर खाता, सो एक हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। देन डियर को कौन खाता है, मतलब डियर फूड किसका है, लायन का, सो हो गया सेकेंडरी। देन वल्चर हो गया टर्सरी या फाइनल कंज्यूमर, बिकॉज डियर हो गया प्राइमरी, लायन सेकेंडरी, वल्चर हो गया टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी मतलब ये एकदम सुप्रीम कंज्यूमर या फाइनल कंज्यूमर, बिकॉज वल्चर लायन को भी खा सकता है और डियर को भी खा सकता है, बिकॉज वल्चर डेड बॉडी खाता है, चाहे डेड बॉडी किसी की भी हो कंज्यूम करना है उसको, सबसे डेड बॉडी चाहे लायन की हो, चाहे डियर की हो, या इंसेक्ट की हो, या स्नेक की हो। सो इसी चीज़ की वजह से वल्चर का रोल ना अपने इकोलॉजी में या फूड चेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये एक तरह का ये स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, और स्कैवेंजर का रोल क्या होता है, जो डेड बॉडी होती हैं उनको डिकम्पोज करना, बिकॉज अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, बैक्टीरिया मतलब बोलेंगे, सो इन बैक्टीरिया की वजह से अलग अलग बीमारी होने लगे, और जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना की वजह से, वो एक तरह की इनमें से एक फूड चेन डिस्टर्ब होने की वजह से ही वो एक तरह की बीमारी। सो अगर नई बीमारी नहीं चाहिए तो फूड चेन को डिस्टर्ब नहीं करना, सो इस चीज़, सो वल्चर की जब पॉपुलेशन में असर पड़ रहा था एक इस चीज़ की वजह से फूड चेन भी डिस्टर्ब हो गई थी। सो अगर हम वल्चर की पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो अपनी जो फूड चेन हम उसको भी और ज़्यादा ठीक करेंगे। सो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है एक्शन प्लान का। देन इसके बाद इसके जो बेनिफिट होंगे ये है, अगर वल्चर की पॉपुलेशन अगर ठीक रही तो फूड चेन भी ठीक रहेगी, तो सभी फूड चेन ठीक रहेगी तो इनकी जो पॉपुलेशन या बर्ड्स होगी या जो ग्रास ओपर हो गया या जो माउस होगी, माउस की पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी, बिकॉज इनके फूड चेन की जो है चेन है वो एक तरह से ठीक तरीके से चलेगी, बिकॉज अगर वल्चर ठीक रहेंगे तो इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगी, बिकॉज इनको कंज्यूम करने के लिए, और जब इनकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड रहेंगी तो इनकी भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगा। सो अगर इनकी पॉपुलेशन ठीक है तो इनकी जो इस तरह जो घास वगैरह हैं तो इनकी भी जो क्वांटिटी है वो भी इनकी नहीं है। सो ये सब चीज़ें एक तरह से जुड़ी हैं। सो अपनी जो फूड साइकिल में हर किसी का एक सेम रोल होता है, अलग अलग रोल होता है ऐसा। इसी वजह से अगर लायन की पॉपुलेशन से एक एग्जांपल देते हैं, अगर लायन की पॉपुलेशन है अगर कम हो जाती है तो इस लायन की पॉपुलेशन की वजह से राइनो की पॉपुलेशन जो खाता या जो हिरन हो गया या जो बबून हो गया, तो इनकी पॉपुलेशन या जो जिराफ हो गया, सो इनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज इनका शिकार करने के लायन या चीता नहीं होंगे या लेपर्ड हो गया, ये लोग नहीं होंगे, सो ये जानवर नहीं होंगे, सो इस चीज़ की वजह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज, और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जब इनका जो फूड होता है प्राइमरी फूड क्या होता है, घास को खाते हैं, ट्रीज को खाते हैं या इनको खाते हैं, तो इनकी जो है तो ये इनकी कमी हो जाएगी, सब जब इनकी कमी हो जाएगी तो इनके साथ जो रहते हैं जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं या जो सॉइल को करने के लिए होता है, सो उन पर इफेक्ट पड़ेगा। हर जानवर का अलग अपना अपना रोल है। हर जानवर की जो पॉपुलेशन है वो एक लिमिटेड में अच्छी रहती है। इसी चीज़ की वजह से हर चीज़ का अपना रोल है। अगर कोई भी साइकिल या कोई भी करेक्टर डिस्टर्ब होता है तो पूरी फूड साइकिल डिस्टर्ब होती है, और फूड साइकिल डिस्टर्ब में सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो फाइनल कंज्यूमर क्यों ना हो, अगर लाइन इसको नहीं खाएगा तो ये डिस्टर्ब होगा, ये डिस्टर्ब होगा, तो ये भी अगर ये कोई इसको अगर ये जल्दी से नहीं मरेगा तो फिर इसका जो फूड है वो इसका फूड तो सिर्फ ये ही डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी जब नहीं होगी तो फिर इसकी फूड में इसकी जो पॉपुलेशन फिर डेक्लाइन होगी। ये सब एकदम चेन बाय जुड़े हुए हैं। इसी चीज़ की वजह से सब चीज़ें इनको फोकस किया जा रहा है, हर जानवर की पॉपुलेशन फोकस किया जा रहा है, लाइक लायन वाले प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, देन टाइगर वाले चलाए जाते हैं, देन एलिफेंट वाले हो गए। हर जानवर पर फोकस किया जाता है, उनकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन ना हो। इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद कुछ फैक्ट्स
याद के लेंस जो कर लेना चाहिए। सो एक होता है, एक है वल्चर केयर सेंटर, वो कहाँ पर है, पिंजौर हरियाणा में, इस चीज को याद रखना, वल्चर केयर सेंटर वो पिंजौर हरियाणा में, बिकॉज स्टडी द कॉज ऑफ डेथ ऑफ वल्चर, इसमें याद किया गया था, इसमें ये सब स्टडी हुई थी। देन इसके बाद जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जो कि ये भी पिंजौर हरियाणा में है, जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है, बिकॉज इसमें ब्रीडिंग सेंटर में इस पर वल्चर्स का प्रजनन किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन और इंक्रीज होती है। सो चीज़ को याद रखना, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो कि है हरियाणा में है। सो इस चीज़ को आप याद रखना। सो इसके बाद एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है सेव, जिसका नाम सेव है वल्चर्स के लिए, इसका फुल नेम है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब वल्चर की पॉपुलेशन सेव करना, उनको एक्सटिंक्शन से निकालना। सो इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू सेव द 3 क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन थ्रू ए सिंगल प्रोग्राम। जो 3 क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज वो हैं जो इंडिया भी अपने एक्शन प्लान में ले आ रहा है। सो इसी चीज़ के वजह से, सो इस चीज़ को याद रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव है। देन इसके बाद सेव जो प्रोग्राम है, इसके जो पार्टनर, इसको याद रखना, बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो पार्टनर पहला हो गया इंडिया की सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये भी वल्चर्स के प्रोग्राम में इनका पार्ट था, इनका रोल था, ये हो गया। देन दूसरा हो गया बर्ड कंजर्वेशन, जो कि नेपाल किया। देन RSPB जिसका नाम है रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, ये UK की है, ये बर्ड्स के लिए, तो इसमें वल्चर भी एक तरह का बर्ड है, तो इस वजह से इसका रोल है। देन नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन, ये भी एक नेपाल का है। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स फॉर प्रे, ये UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। देन जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन, सर ये इनके पार्टनर, इसके अलावा और भी पार्टनर्स हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। सो इसमें जो IUCN काफ़ी बार बार आ रहा है, बिकॉज IUCN काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स को एक लिस्ट में उनको टैग देता है, उनका स्टेटस उनके और उनका जो स्टेटस होता है उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको स्टेटस उतना ही लाइट होता है, वरना तो उसको। सो इस चीज़ को याद रखना। सो IUCN का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग द फील्ड ऑफ नेचर, मतलब वो किसके में नेचर के वर्क में काम, नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। सो चीज़ को याद रखना कि कंजर्वेशन के वर्क में काम है, देन सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज, ना कि उसको रोकना, प्रिवेंट करना, मतलब सस्टेनेबल यूज करना है, IUCN का ये ऑब्जेक्ट है। और इसका जब क्रिएट, इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था, 1948 में इसको क्रिएट किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। सो इस चीज़ को याद रखना, 1948 देन स्विट्जरलैंड। सो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें थ्रेटन स्पीसीज होती हैं। सो इस द वर्ल्ड मोस्ट कंप्रेहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मतलब IUCN की जो रेड लिस्ट है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाती है, उनकी लिस्ट को काफ़ी सीरियसली तरीके से फॉलो किया जा सकता है। सो इसके बाद IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज डिफाइन द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीसीज एसेंट, मतलब अगर किसी जानवर की या किसी बर्ड्स की पॉपुलेशन अगर ठीक है तो उसको हमने अच्छी खासी, तो उसको एज ए लीस्ट कंसर्न में डाला जाता है। अगर उसकी पॉपुलेशन में थोड़ा डिक्लाइन आता है, तेज़ी से आता है, तो उसको वल्नरेबल देन एंडेजन या क्रिटिकल एंडेजन, अगर उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई हो तो उसको एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड में डाला जाता है। सो इस चीज़ को याद रखना। ऐसी 9 कैटेगरी को डाला गया है, मतलब ऐसी 9 कैटेगरीज हैं IUCN ने बनाया, तो उसमें है एनी जिसको नॉन एविलेट बोला गया, देन डेटा डेफिशियंट हुआ, देन लीस्ट कंसर्न, देन नियर थ्रेटेंड, देन वल्नरेबल, देन इंडेंजर्ड, देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लास्ट सेकंड लास्ट, देन लास्ट एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। एक्सटिंक्ट मतलब एकदम वर्ल्ड से खत्म हो गई वो। सो इस चीज़ को आप याद रखना, IUCN की लिस्ट में इसमें 9 कैटेगरी होती है, इस चीज़ को याद रखना। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।